हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे केसीसी T20 चैंपियनशिप का जो मैच होने वाला है ALH वर्सेस YSS के बीच में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर के साथ। कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसी आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर वॉच करना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना है आपको, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे ना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। देखो, अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो प्लेयर चेंज हो, तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार आपको ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है सुलभ क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में ये मैच होने वाला है, 4:00 बजे ये मैच आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी ALH की टीम के जीतने के चांसेस इस मैच के अंदर ज़्यादा है, बैलेंस पीछे है 130-150 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कि यहाँ पर ALH की टीम की बात करेंगे, सबसे पहले ALH की टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 5 मैचेस खेला है, जहाँ पे 2 मैचेस विन करा है ALH की टीम और यहाँ पे 3 मैच जो है लॉस करते हुए आए हैं। ALH की जो टीम है दोस्तों, यहाँ पे 2 मैचेस जीता है, लेकिन YSS की बात करेंगे तो इन्होंने 1 ही मैचेस जीता है दोस्तों और 4 मैच लॉस किया है। ALH की जो टीम है काफ़ी मजबूत टीम है एज कम्पेयर टू YSS की टीम। चलिए बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करते हैं। यहाँ पे जो है ना दोस्तों, नवाफ जो कि टीम के आपको ओपन करते हुए देखेंगे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 93 रन स्कोर करा है। पहले मैच के अंदर देखोगे 24 रन, फिर 11, फिर 9 रन, फिर 22 रन, फिर 27 रन स्कोर करा है। ये ओपनर बैट्समैन है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 93 रन बनाया हुआ है अभी तक। बाकी अजहरुद्दीन की बात करेंगे, ये भी टीम के ओपन करेंगे इनके साथ ALH की टीम की तरफ से। पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर 1 रन, फिर 4 रन, फिर 2 रन और लास्ट मैच के अंदर भी 2 रन बनाया हुआ है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन मोहम्मद असलम की बात करते हैं, टीम के फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे। पहले मैच के अंदर 27 रन प्लस 3 विकेट, फिर 54 रन प्लस 2 विकेट निकाला हुआ है, फिर 5 रन प्लस 1 विकेट, फिर 12 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 11 रन बनाया हुआ है दोस्तों। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे तो 109 रन बना के 6 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों। ये जो खिलाड़ी है मोहम्मद असलम, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऐशान उल हक की बात करेंगे, टीम के सेकेंड राउंड पर खेलेंगे। पहले मैच के अंदर 16 रन, फिर 104 रन, फिर 5 रन, फिर 30 रन और लास्ट मैच के अंदर 72 रन स्कोर करा है। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो 227 रन बनाया हुआ है मोहम्मद सोहेल। थर्ड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 42 रन स्कोर करा है, 1 विकेट, फिर 3 रन, फिर 11 रन, फिर यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे 56 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पे ताहूर की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 8 रन, फिर 4 रन प्लस 1 विकेट, फिर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है। और पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे तो 12 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है। रुबेल इस्लाम, पहले मैच के अंदर 28 रन कोई विकेट नहीं मिला, फिर यहाँ पे 10 रन। बाकी यहाँ पे मोहम्मद अंसर, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 20 रन, फिर यहाँ पे 18 रन प्लस 1 विकेट, फिर 16 रन बना के 1 विकेट। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो अभी तक 55 रन बना के 4 विकेट निकाल चुके हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो फाजन अशराफ के बारे में, तो पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 25 रन, फिर 27 रन प्लस 2 विकेट और लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 15 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ है। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे तो 67 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है। रुबेल हसन की बात करेंगे, तो पहले मैच के अंदर 24 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी में फ्लॉप रहा था, फिर 12 रन इसमें भी फ्लॉप रहा है। मोहम्मद सदीक, इनका रिकॉर्ड 7 नंबर पे खेलते हैं, 5 रन बनाया हुआ है। मिर्जा अहमद की बात करेंगे, तो पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 4 विकेट, लास्ट मैच के अंदर 1 रन पे आउट रहा था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना
कि ये जो बॉलर है ना, मतलब आपको बॉलिंग सेक्शन में नजर आएंगे, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं। अभी तक 7 विकेट निकाल चुके हैं, 2 ही मैचेस खेलते हुए दिखाए दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी शेन की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 2 रन, फिर 1 रन, फिर 1 रन। देखो इनको ड्रॉप करना, बहुत लेट बैटिंग करते हैं, ठीक है। 9 नंबर पर कभी कभी खेलने के लिए आते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद शरीफ 1 ओवर की गेंदबाजी फ्लॉप रहा था। मजीद 6 नंबर पे खेलते हुए 9 रन बनाया हुआ है। अहमद मिर्जा 8 नंबर पे खेलते हुए 2 रन बनाए थे, 4 ओवर की गेंदबाजी फ्लॉप रहा था। और लास्ट मैच के अंदर देखेंगे तो 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है। तो गेंदबाजी इनका भी शानदार रहता है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं अपने टीम के अंदर। तो ये ALH का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है कि सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन YSS की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों खेलते हुए नजर आएंगे बिजू बाबू, जो कि टीम के ओपन करते हैं। पहले मैच के अंदर 10 रन, फिर 48 रन, फिर यहाँ पे 1 रन। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो 59 रन अभी तक स्कोर करा है। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे नालका ध्यान के बारे में, पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 5 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी में फ्लॉप रहा था। फिर 5 रन बनाए थे, इसमें 2 ओवर की गेंदबाजी में फ्लॉप रहा था। फिर 29 रन, फिर यहाँ पे 17 रन प्लस 1 विकेट। और लास्ट मैच के अंदर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 14 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ है। बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये भी लेफ्ट हैंड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज भी है। अभी तक देखोगे 70 रन बना के 3 विकेट निकाल चुका है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर आप ट्राई कर सकते हैं, इनको ड्रॉप करना। ओपन करते हुए 1 ही मैचेस खेला है, 3 रन पर आउट रहा था। अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे ऑफर के बारे में, सेकंड राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 11, फिर 10, फिर 0, फिर यहाँ पे 11, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद सिमसन की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 28 रन, 4 विकेट, फिर 23 रन प्लस 2 विकेट, फिर 45 रन प्लस 3 विकेट, फिर 1 विकेट। और लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 14 रन स्कोर करा है। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो 110 रन बना के 10 विकेट निकाल चुके हैं। बहुत बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी काजी थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 60 रन, फिर 0, फिर 20 रन, फिर 10 रन स्कोर करा है। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे 90 रन बनाया हुआ है। बाकी अगर असदुद्दीन की बात करेंगे, इनको ड्रॉप करना, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी गोम्स पहले मैच के अंदर 1 रन, कोई विकेट नहीं मिला, फिर 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट। और लास्ट मैच के अंदर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा था, लेकिन पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो 3 रन बना के 3 विकेट अभी तक निकाला हुआ है। बाकी सरफुद्दीन की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 9 रन, 1 विकेट, फिर 16 रन, फिर 2 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला। पूरे सीरीज के अंदर देखोगे तो 27 रन बना के 1 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों। बाकी गेमेज की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 4 रन, 2 विकेट, फिर 4 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों 13 रन। पूरे सीरीज के अंदर देखेंगे तो 54 रन बना के 5 विकेट अभी तक YSS की टीम की तरफ से इन्होंने निकाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको जरूर ट्राई करना है आपको। बाकी तुवान अजीज पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा है दोस्तों। तुवान की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, नेवराज तुवान के बारे में, पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 2 रन प्लस 3 विकेट निकाला हुआ है। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखेंगे तो 5 विकेट निकाल चुका है। वहीं ये पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप रहा था दोस्तों। सलमान मुंडे पहले मैच के अंदर पहला मैच के अंदर 44 रन, फिर 11, फिर 6, और लास्ट मैच के अंदर 2 रन। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 63 रन स्कोर करा है। बाकी उदाया पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। मोहम्मद अजाजुद्दीन जो कि ओपन करते हुए दोस्तों 17 रन स्कोर करा है, 1 ही मैचेस खेला है। बाकी ऋषभ की बात करेंगे, थर्ड डाउन पे खेलते हुए 7 रन स्कोर करा है। हेमंता ये पहले मैच के अंदर 3 रन, कोई विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। मोहम्मद अजीज पहले मैच के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी में फ्लॉप रहा था, फिर यहाँ पे दोस्तों 9 रन, इसमें 2 ओवर की गेंदबाजी में इसमें भी विकेट नहीं मिला, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद 5 नंबर पर खेलते हुए दोस्तों 8 रन स्कोर करा है, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे डिटेल्स है ALH और YSS का, ठीक है, जो आप देख रहे हो। ऑलमोस्ट क्या है ना, आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है दोस्तों, प्लेयर्स का स्टेट्स को फॉलो करते हुए, जो आप बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं इसको फॉलो करते हुए, आप यहाँ से चाहे तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को ले सकते हैं और टीम आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम बना के रखा है दोस्तों, चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर को मैंने क्यों लिया हुआ है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपर से। देखो विकेट कीपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ALH की टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शशिका का है। इनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो दोस्तों ये बहुत लेट बैटिंग करते हैं, फिर भी काफ़ी लोगों ने इनको ट्राई किया हुआ है। दोस्तों मैं कहूँगा आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड उतना शानदार है नहीं, 9 नंबर पर खेलने के लिए आए हैं।
पहले मैचेस के अंदर 2 रन, फिर 1 रन और फिर लास्ट मैच के अंदर भी 1 रन पे आउट रहा था। मैं इनको अवॉइड करूंगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप इनको ड्रॉप करने का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जिस प्रकार का यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे अतीफ का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये बहुत शानदार पिक रहने वाला, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये एटलीस्ट क्या है ना कि कभी कभी जल्दी बैटिंग करने के लिए आते हैं, कभी 2 नंबर पर कभी 3 नंबर पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे शशिकाक से बेटर आपको प्लेयर जल्दी बैटिंग करने के आप दिखेंगे। लास्ट मैच के अंदर 4 नंबर पे खेलते हुए 11 रन बनाए हुए थे, उसके पहले मैच के अंदर 2 रन पे दो नंबर पे खेलने के लिए आए थे, उसके पहले मैच के अंदर 1 नंबर पे खेलने के लिए आए थे। यानी ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, मैं इनको अपनी टीम के अंदर ट्राई करूंगा दोस्तों। इनका सिलेक्शन भले ही ज़्यादा हो लेकिन मैं इनको अवॉइड करूंगा इस मैच के अंदर। बाकी ये एक ही मैचेस खेला है, ओपन करते हुए दिखा था दोस्तों, अगर इस मैच के अंदर खेलते हैं तब हम लोग दोस्तों लाइनअप के बाद टीम चेंज करेंगे, ठीक है। मे बी मैं फाइनल टीम के लिए मैं इनको ट्राई करूँ लाइनअप के बाद। बैटिंग में 3 बैट्समैन को मैंने लिया हुआ है YSS की टीम की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ALH की टीम की तरफ से इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, मैंने आपको स्टैट्स के अंदर ऑलरेडी बताया है दोस्तों, मैं इन तीनों को ट्राई करूंगा। बाकी कुछ खास ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, जिस वजह से मैं अवॉइड करने वाला हूँ। ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने 3 ऑलराउंडर को लिया हुआ है, एम असलम शानदार है, एन दयन को मैं ट्राई करूंगा दोस्तों यहाँ पे, एफ अशराफ इनका भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तो ये जो 3 ऑलराउंडर प्लेयर आपके टीम के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, मैं तीनों को अपनी टीम के अंदर ट्राई करूंगा जो बैटिंग टीम के टॉप ऑर्डर पर करते हैं। बाकी बॉलिंग में देखेंगे तो मैंने 4 बॉलर को लिया हुआ है, ALH के टीम की तरफ से 2 गेंदबाज है और YSS के टीम की तरफ से मैं 2 इंपॉर्टेंट गेंदबाज को ट्राई कर रहा हूँ। देखो जी गॉम्स का सिलेक्शन कम है दोस्तों यहाँ पे, मतलब इनका पॉइंट्स कम है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्लेयर है YSS के टीम की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो एस गॉम्स लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा था, लेकिन उसके पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे। देखो ये जो प्लेयर है 2 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी आपको करते हुए दिख जाएंगे, और इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 4 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, और इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा इनको अपने टीम के अंदर आपको जरूर से जरूर ट्राई करना है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे इन तीनों को ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, टी अजीज का रिकॉर्ड जो है ये लास्ट मैच के अंदर 9 नंबर पे खेला था, 0 रन पे आउट रहा था, लेकिन उसके पहले मैच जिसके अंदर 3 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है। तो कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा चांस अगर इस मैच के अंदर रहता है तो कम से कम तो 2 ओवर डालेंगे ही। बाकी दोस्तों इनको यहाँ पे एम अंसर का रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया है, एम अंसर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करूँगा दोस्तों। लेकिन अभी देखोगे 55 रन बना के 4 विकेट पूरे टूर्नामेंट के अंदर निकाला हुआ है, और लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 16 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टी अजीज से, तो अगर ये खेलते हैं इस मैच के अंदर तो आप ले सकते हैं, बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। बाकी मेरा टीम प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैं इन दोनों को ट्राई करूंगा, सेफ ऑप्शन रहेगा दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इस टीम को सेव कर लो और लाइनअप का वेट करना, मे बी लाइनअप के बाद आफ्टर टॉस 1-2 प्लेयर चेंज हो तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं, पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया है, क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।